हेलो आर्ट लवर्स, कैसे हैं आप सब बच्चों? आज मैं फिर से आपके लिए एक बहुत ही क्यूट ड्राइंग लेकर आई हूँ और वो भी है मदर्स डे पर। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको राउंड शेप देने के लिए कोई भी आप बर्तन ले सकते हैं। आप कंपास का यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ एक बर्तन का यूज़ किया है बड़ा सा सर्कल बनाने के लिए। अब एक मैंने ली है बैंगल। बच्चे देखो, हमने जो ये इमोजी बनाना है ना, उसकी आईज़ पे हमने ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है? आईज़ पे फोकस करना है ताकि ये काफ़ी क्यूट रिफ्लेक्ट करे। तो मैं बैंगल का यूज़ कर रही हूँ, ठीक है? अब बिल्कुल इसके अपोजिट पहले आप एक स्केल की हेल्प से लाइन लगा सकते हैं जहाँ तक आपको सर्कल चाहिए, ताकि सर्कल जो है वो ऊपर नीचे ना हो जाए। तो हमें बिल्कुल उसके एग्जैक्ट सामने चाहिए। तो हम सर्कल ड्रॉ कर लेंगे उसकी आईज़ के लिए। देखिए, बड़ी बड़ी आईज़ है ना, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, छोटी छोटी आईज़ नहीं बनानी है। अब देखिए, आईज़ हो चुकी हैं। आईज़ में हम लगाएंगे दो पॉइंट जो लाइट इफ़ेक्ट देते हैं, है ना? सभी की आईज़ में पॉइंट्स होते हैं जो लाइट इफेक्ट देते हैं वाइट कलर के, ये वही पॉइंट है। अब देखो, ये जो सर्कल शेप है ना, इसी तरह से हमने कर्व की शेप देनी है, दोनों में कर्व की शेप, ओके? फिर इसे हम डबल कर देंगे, हाफ मून की शेप हो गया ये। आपको दोनों आईज़ में हाफ मून की शेप में कर्व देना है। उसके साथ ही अब इस कर्व को आपने डिवाइड कर देना है डबल लाइन से। अब हम इसकी क्यूट सी स्माइल बना देते हैं इस तरह से। देखिए, अब बिल्कुल हाफ पर आपने पॉइंट लगाने हैं, सर्कल की हाफ पे हमने पॉइंट लगाने हैं और वहां से लेकर आने हैं इसके हैंड्स। ये हैंड्स हम ले आए, इसके हैंड्स में हम पकड़ाएंगे एक छोटा सा हार्ट अपनी मम्मा के लिए, ठीक है? ये दे दी हमने हार्ट शेप। इसके बाद देखो, मैं ले रही हूँ येलो कलर एंड लाइट ऑरेंज कलर। पहले लाइट ऑरेंज से हम आउटलाइन करेंगे। ध्यान रहे, शेप के अंदर अंदर आपने कलर करना है, बाहर नहीं आना चाहिए। ये आपने आउटलाइन कर दी। अब इसके बाद जो सभी इमोजीज का कलर कौन सा होता है? येलो कलर। तो हमने येलो कलर फिल कर देना है, अच्छे से इसे फिल कर देना। ध्यान रहे बच्चे, आईज के अंदर ये कलर नहीं आना चाहिए। आप आईज के बाहर भी इसकी आउटलाइन कर दो और फिर कलर फिल करो। आपको कंप्लीट इसे येलो कलर से फिल कर देना है। ड्राइंग तो काफी इजी थी, है ना बच्चों? तो आप बहुत अच्छे से इसे ड्रॉ करना, ओके? और आपको ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा ड्रॉ करने में। ये हो गया हमारा कंप्लीट कलरफुल येलो। इसके बाद फिर से आप लाइट ऑरेंज कलर लेंगे और येलो के ऊपर फिर से आउटलाइन के आसपास चलाएंगे, ठीक है? ताकि इसमें ग्रेस आ जाए। अब देखो, रेड कलर लेके आपने क्या करना है, हार्ट में फिल करना है और हल्का सा वाइट पॉइंट आप अपने इस हार्ट में छोड़ देंगे, ओके? अब बारी आती है आईज की। आईज को देखो बच्चे, बिल्कुल इजीली कलर करना है, बिल्कुल आराम से। जो ये आपने हाफ मून की शेप ली थी ना, उसके बाहर बाहर से आपने मार्कर चलाना है, उसके अंदर नहीं होना चाहिए कलर। और ये सर्कल जो है आपके टू, इन्हें भी छोड़कर बाकी एरिया में आपने ब्लैक कलर ही फिल करना है। मैं मार्कर का ही यूज़ कर रही हूँ यहाँ।
क्योंकि आईज से ही इस इमोजी में गेटअप आ रहा है इस ड्राइंग में, तो हमें आईज पे फोकस करना है अच्छे से। इसी तरह से दूसरी आई में भी हमने कलर फिल करना है। चलिए आईज में भी कलर फिल हो गया। कैसा लग रहा है? क्यूट लग रहा है ना? तो आपकी मम्मा तो खुश हो जाएंगी, इतनी क्यूट ड्राइंग दी है आपने उन्हें। आप देखिए ये जो हाफ मून की शेप है, आपने इसमें देना है स्काई ब्लू कलर। स्काई ब्लू कलर से आपने आईज में जो ये हाफ मून की शेप दी है, इसे फिल कर देना है। देन आपको मार्कर लेना है और जो आपने लाइंस लगाई थी ना बेटा, उस लाइंस पे आपने चलाना है मार्कर। देखिए आराम से डिवाइड करना है इन्हें। सो क्यूट। चलिए अब हम यहाँ लिख देते हैं मम्मा के लिए मैसेज। I love mom. Mom, मम्मा, मम्मी, जो भी आप मम्मा को बोलते हो वो आपने यहाँ राइट करना है। और अब जो आपने ये हार्ट शेप दी है ना सेंटर में, इसमें भी आप रेड कलर फिल करेंगे। इसमें भी आप वाइट पॉइंट छोड़ेंगे रिफ्लेक्शन के लिए, ओके? इससे ग्रेस आती है ड्राइंग में। देखिए हमने आईज में वाइट पॉइंट छोड़े हैं, तो कितनी क्यूट आईज लग रही है ना। हमारी ड्राइंग हो चुकी है कंप्लीट। तो बच्चों अच्छे से ड्राइंग करके मुझे फटाफट से सेंड करना और कमेंट में बताओ कैसी लगी आपको ये ड्राइंग। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक चीज़ और, ये जो आपने लाइट ऑरेंज कलर किया था ना, वहाँ आप डार्क ऑरेंज कलर का थोड़ा थोड़ा शेड देंगे ताकि हमारी जो ड्राइंग है वो थोड़ी सी और उभर कर आए। मुझे कमेंट में बताएं आज की ड्राइंग आपको कैसी लगी एंड चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।